ऑसिलेटरी मोशन से तो हम काफ़ी हद तक वाकिफ हो चुके हैं। ऑसिलेटरी मोशन के और के बारे में भी पढ़ते वक्त हम लोगों ने इसकी एग्जांपल में एक एग्जांपल पेंडोलम की भी कंसीडर की थी। हमने कहा था कि जो पेंडोलम है इसे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन एज वेल एज हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल में ले सकते हैं। पेंडोलम होता क्या है? किसी भी बॉडी को जरूरी सर्कुलर टाइप हो, कोई इररेगुलर शेप भी हो सकती है, कोई लॉक टाइप शेप भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर ट्रायंगुलर किसी शेप में भी कोई भी बॉडी हो, उसे आप लेकर किसी थ्रेड के साथ अगर बांध दें और उस थ्रेड को किसी एक फिक्स पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दें तो ये चीज़ आपकी पेंडोलम कहलाती है। पेंडोलम को तो आप बहुत दफ़ा देख चुके होंगे क्योंकि आपके घरों की जो वॉल्स हैं उनके साथ भी जो वॉल क्लॉक्स होती हैं उनके नीचे भी पेंडोलम लटक रहे होते हैं। इस तरह की जो बॉडीज होती हैं उन्हें हम लोग पेंडोलम कहते हैं। जैसे कि वॉल क्लॉक्स में इस तरह के पेंडोलम होते हैं, इसी तरह इन चीज़ों को भी हम पेंडोलम कहते हैं। पेंडोलम इस तरह के फिक्स पॉइंट के साथ एक थ्रेड के जरिए बांधे जाते हैं। ये मुख्तलिफ टाइप के पेंडोलम है, यहाँ पर सर्कुलर शेप है जबकि यहाँ पर सर्कुलर शेप नहीं है। किसी भी इरेगुलर सी शेप को, जैसे कि की चेन है, इसके साथ हम लोगों ने चेन बांधी हुई है और इसको अगर हमने हाथ में फिक्स ही कर लें और रोटेट कराएं इस चीज़ को, तो ये भी एक पेंडोलम के एग्जांपल में ही आ जाता है। अब मसला हमारे लिए ये है कि अगर हम लोगों ने ये कहा है कि जो ऑसिलेटरी मोशन है या हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अगर पेंडोलम को हम उसकी एग्जाम्पल में कंक्लूड करते हैं तो हम लोगों ने जो अजम्पशन की थी, जो कंडीशंस लगाई थी सिंपल हार्मोनिक होने के लिए, ज़रूरी है कि वो कंडीशंस इस पेंडोलम के लिए भी सेटिस्फाइड हों। जैसे कि हमने कहा था कि पेंडोलम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मस्ट है कि बॉडी को एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाए। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है पेंडोलम, तो हमें इसको इसके फिक्स पॉइंट से डिस्प्लेस करने के लिए सम एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसे हम एफ अप्लाइड फोर्स कहते हैं। अगर ये अप्लाइड फोर्स लगा के हम इसे इस पोजिशन से यहाँ पर एक्सट्रीम पोजिशन पर ले आते हैं, इसे ए डैश कह देते हैं, इसका मतलब है ये अपनी पोजीशन से मूव कर सकता है, अपनी फिक्स पोजीशन से मूव कर सकता है, तो इसका मतलब है पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब उसके बाद हम लोगों ने ये कहा था कि इसके अंदर अगर हम अप्लाइड फोर्स हटा दें तो ड्यू टू इनर्शिया अपने अंदर जमा रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉडी अगर वापस अपने मेन पोजिशन या फिक्स पॉइंट पर आती है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है। तो जैसे ही हम फोर्स ये हटाते हैं तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर आता है, इसका मतलब है हमारी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो जाती है। और तीसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि इसके अंदर कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स होती है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ही तो ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर आता है। फिर हमने ये भी कहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट ये ट्रैवल करता है यहाँ से यहाँ आने में, पेंडोलम हो या स्विंग हो, ये डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे जो एक्सेलरेशन जिसके साथ ये बॉडी मूव कर रही है, क्योंकि हमने फोर्स लगाई है, वो किसी ना किसी फोर्स से मेन पोजीशन पर आ रहा है या मेन पोजीशन से दूर जा रहा है पेंडोलम का जो बॉब है, तो इसका मतलब है फोर्स जब भी किसी बॉडी पर एक्ट करे तो मैस और एक्सेलरेशन तो होता ही है। इसका मतलब है हम लोगों ने इसका मतलब तो ये हुआ कि इसमें एक्सेलरेशन है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, बट जो एक्सेलरेशन है वो ऑलवेज डायरेक्टली होता है टूवर्ड्स द सेंटर। ये हमारी कंडीशन थी और ये वाकई ही सेटिस्फाइड होती है। अभी हम लोगों ने इस चीज़ को हमें फाइनली प्रूव करना है कि जो हमारा एक्सेलरेशन है क्या वो पेंडोलम के केस में भी हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। अगर ये बात सेटिस्फाइड हो जाए तो इसका मतलब है कि वाकई जी हमारा जो पेंडोलम है वो भी ऑसिलेटरी मोशन की एग्जाम्पल में ही कंक्लूड किया जाता है। हमारा जो पेंडोलम है उसकी मोशन कुछ इस टाइप की होती है, जैसे हम उस पर कुछ फोर्स लगा के एफ अप्लाइड करते हैं तो उसे उसकी एक्सट्रीम पोजिशन पर ले जाते हैं। ये भी एक्सट्रीम है और ये भी एक्सट्रीम है। जितना एम्पलीट्यूड यहाँ तक होता है उस पेंडोलम का, यानी जितने एम्पलीट्यूड पर जाके हम उसे छोड़ते हैं, सेम एम्पलीट्यूड के साथ ही वो मेन पोजीशन पर आता है और मेन पोजीशन से सेम जो है वो ए पर एज इट इज़ उतना ही डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। और ये इतनी ही मतलब इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान ये बार बार अपनी पोजीशन को रिपीट करता है और अपनी मेन पोजीशन से दोनों पोजीशन के दरमियान मूवमेंट शो करता रहता है, जिस तरह कि इस पोजीशन में हो रहा है। पेंडोलम जो है उसका बॉब अपनी मूवमेंट इस तरह से करता है, जैसे जैसे हम उसका एम्पलीट्यूड अगर यहाँ पर लाते हैं तो वो इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान मूवमेंट करेगा, लेकिन अगर हम उसका एम्पलीट्यूड यहाँ की बजाय यहाँ तक बढ़ा देते हैं तो अब जो पेंडोलम का बॉब है वो अपनी मेन पोजीशन से यहाँ तक मूव करेगा और सिमिलरली उतना ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेन पोजीशन से यहाँ करेगा। होता ये है कि जैसे जैसे हम एम्पलीट्यूड बढ़ाते चले जाते हैं पेंडोलम की मोशन बढ़ती चली जाती है, उसका एम्पलीट्यूड जो है मूवमेंट का जो एम्पलीट्यूड है जितना उसका ज़्यादा का ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज करता चला जाता है और ये बिल्कुल एक सर्कुलर या सेमी सर्कुलर टाइप की मोशन शो करता है और बिल्कुल इसी तरह चलता है। अब हमने इसे ये प्रूव करना है
एक्सेलरेशन इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन कैसे है? आइए इसे प्रूव करते हैं। जैसे कि हमारा पिंडोलम है और ये इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, ये पर भी बिल्कुल उसी तरह की मोशन होगी जैसे कि बी पर होगी। अगर मैं बी को कंसीडर कर दूँ इसको, तो इस चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए निग्लेक्ट कर दीजिए और सिर्फ इस चीज़ के साथ कंसर्न करते हैं हम लोग, इस पॉइंट ए, इसको ए कह देते हैं, इस वाले पोर्शन को, इसके साथ हम लोग काम करते हैं। अब देखा जाए तो जब इस एक्सट्रीम पोजिशन बी पर हम बॉब बॉब हमारा आता है, तो इस पॉइंट पर इसका जो वेट है, हर बॉडी का वेट डाउनवर्ड रिएक्ट करता है, तो इसका वेट भी जो है वो डाउनवर्ड ही रिएक्ट करेगा। वेट जो कि एम जी के इक्वल है, तो हमारा जो एम जी है वो डाउनवर्ड रिएक्ट करेगा। अगर मैं थोड़ा सा एक्सटर्नल काम इस तरह से करूँ, खुद से अगर थोड़ा सा हम काम करना चाहें इस तरह से कि जो फोर्स है, ये वाला जो थ्रेड है वो थ्रेड इस बॉब को खींचे हुए है, यानी कि इस स्ट्रिंग से जिसके साथ ये बॉब बांधा हुआ है, उस स्ट्रिंग के अंदर जो है टेंशन की फोर्स है, और ये टेंशन की फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। अगर मैं इसी टेंशन की फोर्स को एक्सटेंड करूँ इस तरह से, इस तरीके से, और यहाँ पर एंगल एक थीटा बनता है, यानी कि इसको इंक्रीज कर दिया जाए, तो वेट के साथ जो है एंगल थीटा, वेट का जो है वो टेंशन के साथ एक एंगल थीटा बनता है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर टेंशन का थीटा एंगल बन रहा होता है मेन पोजिशन के साथ, सिमिलरली वही एंगल यहाँ तक बनता चला जाएगा। अगर आप किसी पैरल इस तरह से एंगल बने और इस लाइन को आप मजीद एक्सटेंड कर दें, यहाँ पर एक और लाइन आ जाए, तो जो सेम एंगल यहाँ पर होगा वही सेम एंगल यहाँ पर भी बन जाता है। और इस चीज़ को अगर मैं इमेज से ज़्यादा वाजह तरीके से बताना चाहूँ, तो इस तरह से बताया जा सकता है। जी हाँ, इस इमेज से काफ़ी हद तक वाजह हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारा जो ये है, अगर आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको याद हो, तो जब भी हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं, अगर यहाँ पर मैं एम जी को अपना वेक्टर मान लूँ, तो हम लोग को दो वेक्टर में रेजोल्यूशन करनी पड़ती है। एक वो जो बेस के साथ होता है उसे हम लोग एम जी कॉस थीटा बोल देते हैं, क्योंकि बेस के साथ कॉस थीटा का एंगल आता है, और जो वर्टिकल होता है उसे हम लोग एम जी साइन थीटा कह देते हैं। अगर यही वाला सेम केस रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में यहाँ पर अप्लाई करूँ, तो मुझे कहना चाहिए कि ये जो चीज़ है ये एम जी साइन थीटा है, और ये वाली चीज़ हमारी एम जी, एम इसको जी और ये साइन, इस तरह से साइन थीटा है। इसको थोड़ा इस तरह लिख लेना चाहिए कि ये हमारी एम जी साइन थीटा, कॉस थीटा, ये कॉस थीटा है, क्योंकि ये बेस है, तो बेस के साथ जो एंगल होता है वो एम जी कॉस थीटा होता है। जैसे कि सिमिलरली इस इमेज में दिखाया गया है कि इस वेक्टर को जो थीटा एंगल बना रहा है एम जी, इसको हम लोगों ने टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। जो बेस के साथ कंपोनेंट आता है उसे हम लोग एम जी कॉस थीटा कहते हैं, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में आता है परपेंडिकुलर होता है उसे एम जी साइन थीटा कहते हैं। अब एक बात ये देख लीजिए कि जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है, और एम जी कॉस थीटा का जो एरो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। मीन्स ये कि ये टेंशन इसे कैंसिल कर देती है, टेंशन और एम जी कॉस थीटा जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, और बचता इफेक्ट जो ये है कि जो एम जी कॉस थीटा है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यानी कि सेंटर की तरफ, और सेंटर की तरफ ही बॉब पर लगने वाली रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है, जो इसे वापस अब इसकी मेन पोजीशन पर लाती है। यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है, टेंशन ने तो चूंकि इफेक्ट कैंसिल कर दिया है, तो अब जो बाकी बचने वाली चीज़ है वो ये है कि हमारी जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जिसकी वजह से ये जो बॉब है ये वापस अपनी मेन पोजीशन पर आ रही है, वो इस कंपोनेंट की इक्वल है, क्योंकि इस कंपोनेंट की डायरेक्शन भी टूवर्ड द मेन पोजीशन है। तो ये एम जी साइन थीटा के इक्वल है, यहाँ पर लिख देना चाहिए एम जी साइन थीटा। और हमें मालूम है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, अगर सिंपली फोर्स के बारे में जानना चाहे, तो फोर्स हमेशा एम इंटू ए के इक्वल होती है। मैस यानी कि बॉब का जो मैस है एम वो, और एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन जिसके साथ वो मूव कर रही है टूवर्ड्स द मेन पोजिशन। तो अगर मैं उस चीज़ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ, तो मेरे पास यहाँ एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा का एक्सप्रेशन आ जाता है। अब मैस बॉब का यहाँ पर भी वैसा ही है, और इस एक्सप्रेशन में एम जी में भी वही है। तो अगर मैं दोनों जगह से मैस का एक्सप्रेशन कैंसिल कर दूँ, तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू ये आ जाती है कि वो जी साइन ऑफ थीटा के इक्वल है। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि जब साइन 90 हो, तो हम कहते हैं साइन 90 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस में 1 है, और अगर साइन 0 हो जाए तो हम कहते हैं साइन 0 है, मतलब साइन थीटा जो है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दी जाए, तो साइन 0 0 हो जाता है। और अगर ये जो थीटा है यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, क्योंकि मैंने भी ऊपर वाली बताया है आपको थोड़े से ऊपर कि एक सर्कुलर पाथ की तरह ट्रेवल करता है जो पिंडोलम है, तो अगर हम ये कहें कि जो बनने वाला थीटा है, तो यहाँ पर बन रहा है ये बहुत ही स्मॉल है, तो
बहुत ही स्मॉल थीटा के लिए हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो साइन थीटा है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा है। तो अगर मैं इस साइन थीटा को इस अजम्पशन के मुताबिक थीटा मान लूँ तो मुझे यहाँ पर साइन थीटा की जगह थीटा पुट कर देना चाहिए फॉर वेरी स्मॉल एंगल। तो अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन ये बन जाता है कि ए इज इक्वल टू जी ऑफ थीटा, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है, इसे इक्वेशन नंबर वन कह देते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है, अब दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग थीटा को भी मज़ीद डिफाइन करना चाहें तो हम इसे वेरी सिंपल उसे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन के बारे में हम लोगों ने 5th चैप्टर में पढ़ा था। अब ये देखा जाए तो पेंडुलम की जो मोशन होती है एक किस्म की सर्कुलर मोशन ही होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो थ्रेड है जिसके साथ हम लोगों ने इस पेंडुलम की ये जो बॉब है इसे फिक्स किया है, थ्रेड की ये लेंथ जो है ये तो फिक्स ही रहती है जिसे हम लोग एल कह देते हैं, और इसी जो लेंथ है इसके साथ ये पूरा का पूरा सर्कुलर पार्ट जो है वो कवर करता है इस तरह से। तो ये जो एल है इसे हम लोगों को कह देना चाहिए कि ये रेडियस है, चाहे इस तरफ वाला एल ले लिया जाए या इस तरफ वाला, किसी भी पॉइंट पर ये वाला एल ले लिया जाए ये वाला एल ले लीजिए, ये हमेशा आर यानी रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल ही है, और ये सेंटर पे हमारा थीटा एंगल फॉर्म हो रहा है। और ये जो चीज़ है यहाँ यानी कि एक्सट्रीम पोजिशन से वापस मेन पोजिशन की तरफ आना और मेन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन की तरफ जाते वक्त जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल होता है उसे हम लोग एक्स कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं या एस कह लीजिए, कोई भी नाम रख लीजिए, इसे हम लोगों ने एस कह दिया। तो हम सर्कुलर मोशन के अगर एक्सप्रेशन लगाएं तो सर्कुलर मोशन हमें बताया था कि जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है ना सर्कुलर पाथ वो हमेशा इक्वल होता है आर आर थीटा के, यहाँ पे एल नहीं आना चाहिए, आर थीटा। तो ये एस इज इक्वल टू आर थीटा। अगर एस को आप एक्स कह लें, कुछ भी कह लें, अगर मैं एस को एक्स कह लूँ तो मेरे पास जो एक्सप्रेशन है वो एल आर की जगह आ जाएगा एल, क्योंकि हमने कहा है कि जो एल है वो आर के बराबर है, तो मुझे आर की जगह यहाँ पर एल लगा देना चाहिए, और थीटा तो एज इट इज ही है जैसे यहाँ पर फॉर्म हो रहा है वैसे ही थीटा यहाँ पर बन जाए। तो इस एक्सप्रेशन से जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो एक्स बाय एल आएगी, ये थीटा की वैल्यू आ जाती है। ये वैल्यू हम लोगों ने किस तरीके से निकाली, ये वैल्यू हम लोगों ने सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए निकाली कि जो थीटा है वो एक्स बाय एल के इक्वल है। अगर इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया जाए जो कि हमारे पास है इज इक्वल टू जी थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है कि जी एक्स बाय एल है, तो मुझे थीटा की जगह एक्स बाय एल लिख देना चाहिए। अब ये जो एल है ये पूरी की पूरी इक्वेशन से डिवाइड हो रहा है, हमारा एल भी कांस्टेंट है क्योंकि जो लेंथ है पेंडुलम की जिसके अबोव के साथ जो बांधी है ये तो थ्रू आउट द मोशन सेम ही रहती है, जो एल की वैल्यू यहाँ पर है वही एल की वैल्यू यहाँ जाकर भी होगी और सेम एल की वैल्यू यहाँ पर भी होगी और वैसी ही एल की वैल्यू यहाँ पर होगी। इसका मतलब है कि जो एल है वो कॉन्स्टेंट है और जी जो है वो ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट को शो कर रहा है, क्योंकि हमारा जो बॉब है वो ज़मीन से सम हाइट पर जाता है जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो गेन करता है। तो अगर मैं जी डिवाइडेड बाई एल को एक साइड पर लिख दूँ और एक्स को इस तरह लिख दूँ तो हमारा एक्सप्रेशन ये हो जाता है कि ए इज इक्वल टू जी बाई एल, और हमें मालूम है कि अगर मैं ए इज इक्वल टू इस चीज़ को कॉन्स्टेंट पुट कर दूँ कि ये मेरे पास जो है ये कॉन्स्टेंट है, इस तरीके से ये हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गया, हम तो यहाँ पर लिख देते हैं कि ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट आ गया और कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। और ये भी हमें मालूम है कि फिजिक्स में जब भी इक्वल टू के बाद कॉन्स्टेंट आए तो हम इसे प्रोपोर्शनैलिटी के इलामत से बदल देते हैं, यानी कि अब यहाँ पर ये लिखना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक्स के। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई बल्कि मेंशन खुद ही नहीं की ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाएं कि हमारा ये जो बॉब है ये ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर है, चाहे इस पोजीशन पे आप ले जाकर इसे छोड़ें या इस पोजीशन पे ले जाकर छोड़ें, आना इसे हमेशा मेन पोजीशन या सेंटर पॉइंट पर ही है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें नेगेटिव साइन इंडिकेट करना चाहिए था कि जो हमारा एक्सेलरेशन है वो माइनस जी ऑफ थीटा के इक्वल है। तो अगर ये माइनस है तो मुझे यहाँ पर भी माइनस लगाना चाहिए और यहाँ पर भी माइनस, यानी कि सब एक्सप्रेशन के साथ माइनस आना चाहिए जहाँ हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि क्या पेंडुलम के केस में भी जो एक्सेलरेशन है वो किए जाने वाले डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, तो ये वाकई ही उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है और नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि ऑलवेज डायरेक्टली टूवर्ड्स द सेंटर है। तो इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं कि जो हमारा पेंडुलम है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जाम्पल में आता है और ऑसिलेटरी मोशन शो करता है।
हमारी टेंशन ने हमारे इस वेट mg cos थीटा को कैंसिल किया इस तरीके से कि ये दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में थे और दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, तो टेंशन ने इस चीज़ को कैंसिल कर दिया। और जो बचने वाला दूसरा कंपोनेंट है mg sin थीटा, वो चूँकि सेंटर की तरफ डायरेक्ट है और सेंटर की तरफ ही हमारे जो स्टोरिंग फोर्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर सके। इस तरह से हम लोगों को ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ा और इस एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोगों ने फाइनली ये प्रूव किया कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है हमारे डिस्प्लेसमेंट के। तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन की एग्जांपल में आ जाता है पेंडुलम भी।